और कैसी लगी फिल्म? सर शानदार फिल्म थी सर, मतलब मजे ही आ गया, मतलब गूज़बम मूवमेंट आया था, गूज़बम लगाओगे आप कहीं जगह पर, इतने ज़बरदस्त तरीके से वो सीन्स को क्रिएट किया गया। ऊपर से वो जो अक्षय कुमार जब वो राम सिद्धू का पत्थर उठा के आते हैं ना, मतलब पागल हो जाओगे आप, मतलब आंखों से आंसू भी आ जाएंगे आपकी फिल्म में। और कई जगहों पे वो जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राम सेतु को, उन पर आपको इतना भर के गुस्सा आएगा ना कि आपका मन करेगा स्क्रीन में घुस के मारो उनको। मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से फिल्म को बनाया गया है। वो जो एक और वो एक्टर है, वो नसीर है, नासिर उनका नाम नहीं पता मुझे, उनका काम भी क्या ज़बरदस्त है। हालांकि उनका कैरेक्टर थोड़ा अलग है, वो आपको फिल्म देख के समझ आएगा। अक्षय कुमार देखिए वो आर्कियोलॉजिस्ट जो बने हुए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा है, उनका लुक वगैरह सब कुछ जम रहा है। उसके बाद देखिए वो रिसर्च पे चलेगा भैया, राम सेतु के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं वो सारी चीज़, कई लोग देखिए उन्हें मारने के पीछे पड़े हुए हैं जिससे कि वो भैया राम सेतु को बचा ना पाए, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन देखिए बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं कि देखिए फिल्मों के माध्यम से हमें मतलब ये सच्चाई को दिखाना पड़ रहा दुनिया को कि नहीं भैया राम सेतु असली था और वो सारी चीज़ें। मतलब देखिए कई लोग अभी भी बोलते हैं कि नहीं भैया वो तो ऐसे ही है, नेचुरल कुछ नहीं है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म में देखिए वो दिखाया गया प्रॉपर तरीके से तो मज़ा आ जाता है फिल्म में। नुसरत भरूचा भी हैं, उनका भी काम ठीक ठाक सा है, जैकलिन फर्नांडिस है, ऊपर से वो साउथ के एक एक्टर, उनका काम भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो जो स्पेशली वो जो राम 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 राम, मतलब मज़े ही आ जाता है। आप थिएटर से बाहर आएंगे, घर पे भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद भी वो आपके कानों में गूंजते ही रहेगा, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है वो म्यूज़िक सुनने में। तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है, पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है। पाँच में से कितना स्टार देंगे? पाँच में से फिल्म को 4 स्टार दूंगा, काफ़ी अच्छी फिल्म है। हालांकि बस बीच बीच में थोड़ी सी कहीं कहीं लोगों को बोर लग सकती है फिल्म, लेकिन फिल्म ओवरऑल काफ़ी अच्छी फिल्म है, पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए।